अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। किस स्टेट से ताल्लुक है आपका? मैं आबिद हुसैन सैयद नाम है और मैं फैमिली रियल एस्टेट एंड इंजीनियरिंग का ओन कर रहा हूँ, सीईओ हूँ। तो रुटन के बारे में आप अपने क्या ख्यालात रखते हैं? देखिए, जहाँ तक इस पूरे पिंडी इस्लामाबाद रीजन में जितनी भी सोसाइटीज हैं, रुटन इनक्लेव एक अलग पहचान रखती है और जिसकी एक्सेस यहाँ पे 5 से 10 मिनट्स की एक्सेस है, चाहे वो आप मोटरवे से आएँ, चाहे वो आप सदर से यहाँ पे अप्रोच करें, बैरिया पिंडी के बिल्कुल अपोजिट का और दो डैम्स के दरमियान एक खूबसूरत सा टुकड़ा है ये, और जिसका जो अभी रिंग रोड का जो इफ्तिताह होने जा रहा है 25 दिसंबर को, और उसका गुजरगा भी जो रूटन इनक्लेव से ही है। और उससे हट के जो इस वक्त जो हमारे पूरे मुल्क में जो एक हर एक को घर की ज़रूरत है, और सबसे चीपेस्ट रेट्स जो है इस वक्त जितनी भी रीजन में सोसाइटीज़ हैं, माशाल्लाह रूटन इनक्लेव का बहुत मुनासिब रेट्स हैं, और रूटन इनक्लेव टाइमली जो है ना वो डिलीवर करके देगा। और इंशाल्लाह जो इन्होंने अभी आज ये जो फंक्शन का अहतमाम किया, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, और यहाँ पे जो आज ग्रैंड जामिया मास्क का इफ्तिताह होने जा रहा है, माशाल्लाह ये बड़ा हेल्दी मैसेज जा रहा है। आपने हमारे जितनी फैमिलीज हमारे साथ जो इन्वेस्टमेंट कर चुकी हुई हैं, जो अपने फ्यूचर की यहाँ पे प्लानिंग करके हमारे साथ उन्होंने प्लॉट्स लिए हैं, जो घर बनाएंगे, तो रिटन इनक्लेव इज़ द बेस्ट प्लेस और दिस इज़ अ राइट प्लेस एंड दिस इज़ अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रिटन इनक्लेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। सर किस स्टेट से ताल्लुक है आपका? फैमिली रियल स्टेट एंड इंजीनियरिंग बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद एंड फैमिली रियल स्टेट एंड इंजीनियरिंग अडियाला रोड। तो रुटन इनक्लेव के बारे में आप अपने ख्यालात का इजहार करें। रुटन इनक्लेव अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सोसाइटी है, वो मैन अडियाला रोड पे ये वाकिया है, फेज़ 8 बहरिया एक्सटेंशन के बिल्कुल साथ लगी हुई है और इसकी डिवेलपमेंट बहुत तेज़ी से जारी है और पिछले एक साल से हम इसके साथ अटैच हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। थैंक यू।